यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम नलोपाख्यान पर्व 71वां अध्याय। राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव की वह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, बाहुक, तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ हो, यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है, अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो। तपस्विनी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसीलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है, मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले, क्योंकि पतली कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा। परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती, विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। इसमें कितना सत्य या असत्य है, इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा। अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुंचूंगा। युधिष्ठिर, तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। वे तेज और बल से युक्त थे, वे अच्छी जाति और अच्छे स्वभाव के थे, उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन चौड़ी थी, वे वायु के समान वेगशाली सिंधु देश के घोड़े थे, वे 10 आव्रत के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे, ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा। बाहुक ने कहा, राजन, ललाट में एक, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, उप पार्श्व भाग में भी दो, छाती में दोनों और दो दो और पीठ में एक, इस प्रकार कुल 12 भवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुंचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझे उन्हीं को मैं रथ में जोत दूंगा। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक,
तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के चार वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा, फिर अपने हाथ में बागडोर ले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वार्षणीय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हांक दिया। बाहु के द्वारा विधिपूर्वक हांके जाते हुए वे उत्तम अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वार्षणीय ने बाहुक के अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का सा ही महान लक्षण देखा जाता है, अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुंचे हैं, अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं? अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्षणेय ने चिंतन करना प्रारंभ किया। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल न हो। इसकी अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है, परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुण्य श्लोक नल के सारथी वार्षणेय ने बार बार इस रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के अश्व संचालन विषय के ज्ञान पर विचार करके वार्षणेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह, घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का विदर्भ देश में गमन विषय 71वां अध्याय पूरा हुआ। 72वां अध्याय, ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत, ऋतुपर्ण से नल को द्यूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना। बृहद्दशो मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक शीघ्रता पूर्वक कितनी ही नदियां, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूंगा। जब तक यह वार्षणे उतरकर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रहो। यह सुनकर नल ने उसे उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूं, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता। राजन, नल के ऐसा कहने पर
राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बहेड़े के वृक्ष के पास आ पहुंचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत तुम देखो मुझमें भी गणना करने की कितनी अद्भुत शक्ति है। सब लोग सभी बातें नहीं जानते। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। बाहुक इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं उन सबको मैं बताता हूं। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं उनकी संख्या 100 अधिक है। उसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों से 102 अधिक है। इस वृक्ष के दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं के पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काट कर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज आपकी आंखों के सामने इस बहेड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि संख्या इतनी है या नहीं। जनेश्वर यदि वार्ष्णेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलों को गिन लूंगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्न पूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ देश का मंगलमय मार्ग है। वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। गुरुनंदन तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक तुम ही इन घोड़ों को हांक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा। आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्वविद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाखा के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूं। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे द्यूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे भी अश्व विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। बाहुक तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। द्यूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब करकोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह शाप अग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को शाप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था कुपित होकर मुझे शाप दे दिया,
उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज करकोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता सा जा रहा था। इसी प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे, तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलियुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया। तदनंतर कलियुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषद राज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तदनंतर कलियुग के अदृश्य हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बहेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हांकते हुए विदर्भ देश को चल दिए। कलियुग के आश्रय लेने से बहेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्न चित्त से पुनः घोड़ों को हांकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में कलियुग निर्गमन विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 73वां अध्याय, ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश, दमयंती का विचार तथा भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुंचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे, उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने कि पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह घरघराहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय के रथ की घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों को जान पड़ी। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला के अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन, रथ की उस आवाज को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठा पूर्वक अपनी बोली बोलने लगे, जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। उस समय दमयंती ने मन ही मन कहा, अहो, रथ की वह घरघराहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है यह महाराज नल ही पधारे हैं। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। आज यदि मैं उन वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद देश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान देदीप्यमान दहकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राज राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं कि स्वेच्छा पूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैं कभी झूठ बोली हूँ। स्मरण नहीं कि कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो
तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। मेरे निषद राज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं से श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा पराई स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य है। मैं उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के परायण रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत, इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्य श्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। वहां से उसने देखा वार्षणेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा में पहुंच गए हैं। तदनंतर वार्षणेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण का भली भांति आदर सत्कार किया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहां स्वयंवर जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। भरत नंदन युधिष्ठिर, विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहां पधारने का क्या कारण है? राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहां किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहां समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भ राज से कहा, राजन, मैं आपका अभिवादन करने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, ये बहुत से गांवों को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक न जान सका। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूंगा। ये जो कारण बता रहे हैं इतना ही इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार कर राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राज सेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन, वार्षणेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूत पुत्र वार्षणेय तथा पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी, यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी? वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुकों में मुझे निषद राज नल नहीं दिखाई देते। वार्षणेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हांकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हो जैसे राजा नल है, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का भी गंभीर घोष लक्षित होता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार विचार करके शुभ लक्षणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का राजा भीम के नगर में प्रवेश विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।